Commerce Minded. My name is Priya Anand, and in this video, I will explain you common size statement. In my last video, I have explained you about comparative statement. It is also a part of financial statement analysis. And the second one, the financial statement analysis tool that I will be explaining you is common size statement. Aaj main aapko कॉमन साइज स्टेटमेंट का फॉर्मेट बताऊंगी कि किस तरीके से हम अपनी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसका एनालिसिस करते हैं. बहुत सिंपल है, उससे भी ज्यादा सिंपल है, हमारा कंपैरेटिव स्टेटमेंट से भी ज्यादा सिंपल है, तो ध्यान से सुनिए. ओके, सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी कि कॉमन साइज स्टेटमेंट को हम बैलेंस शीट में भी दिखाते हैं एंड देन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट में भी दिखाते हैं. ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूंगी बैलेंस शीट की कि बैलेंस शीट में हम किस तरीके से कॉमन साइज स्टेटमेंट दिखा सकते हैं. हम इस केस में निकालते हैं परसेंटेज चेंज ऑफ बैलेंस शीट टोटल. हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट में निकालते थे एब्सोल्यूट चेंज देन परसेंटेज चेंज. हम इसमें परसेंटेज चेंज ऑफ बैलेंस शीट टोटल क्यों निकालते हैं, क्योंकि बेसिकली हम हाईलाइट करना चाहते हैं कि क्या ट्रेंड है. बेसिकली क्या होता है कि मेरी सपोज करो करंट लाइबिलिटीज एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज का टोटल है मेरा 150 और करंट लाइबिलिटी 50 है एंड नॉन करंट लाइबिलिटी इसमें से है मेरी 100. तो मैं अलग अलग परसेंटेज निकालूंगी प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का, किस तरीके से, इन टर्म्स ऑफ टोटल ऑफ बैलेंस शीट. टोटल ऑफ बैलेंस शीट तो मेरा फॉर्मूला इस तरीके से ऐसा होएगा. तो अगर मेरे को 50 का निकालना है, सपोज करो ये प्रीवियस ईयर है, तो 50 upon 150 into 100, हमेशा हम 100 लेंगे बेस एज अ टोटल. और ये 150 क्या है, हमारा टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटी. तो मैं अपना बेसिकली करंट लाइबिलिटी का परसेंटेज निकाल रही हूं इन टर्म्स ऑफ टोटल लाइबिलिटीज का. समझ आया थोड़ा बहुत? ओके, थोड़ा बहुत समझ आया है. बाकी मैं आपको एक फॉर्मेट दिखाती हूँ प्रॉपर तरीके से कि किस तरीके से हम ये फॉर्मेट एक्चुअली में करते हैं बैलेंस शीट में. लेट्स स्टार्ट. सेम रहेगा सबसे पहले तो जो हमारा बैलेंस शीट का होता था, मैंने बताया था इक्विटी एंड लाइबिलिटी. इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में जो भी चीजें हैं एंड देन एसेट्स, टोटल एंड यहां पे भी एसेट्स का टोटल. ठीक है जी, अब हमारा नोट नंबर सेम रहेगा जो हमारा पहले उसमें भी रहता था कंपैरेटिव स्टेटमेंट में. सेम, सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर का अमाउंट लिखेंगे देन करंट ईयर का अमाउंट लिखेंगे. अब क्या करेंगे हम, यहां पे हम लिखेंगे परसेंटेज चेंज ऑफ बैलेंस शीट टोटल. इसमें हम प्रीवियस ईयर का अलग निकालेंगे एंड करंट ईयर का हम निकालेंगे अलग. वहां पे हम परसेंटेज चेंज दोनों साल का डिफरेंस निकाल के करते थे, इस केस में हम परसेंटेज चेंज ऑफ बैलेंस शीट टोटल करेंगे. कैसे, सपोज करो यहां पे मेरा करंट लाइबिलिटीज एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज गिवन है क्वेश्चन में. ये दिया हुआ है 50 एंड 100, टोटल हो गया 150. ये दिया हुआ है 50 एंड 50, दैट इज सॉरी 150 एंड 150, दैट इज 300. ठीक है, और यहाँ पे मेरे नॉन करंट असेट्स दिए हुए हैं एंड करंट असेट्स दिए हुए हैं. नॉन करंट असेट्स में ले लो 20, 40, 80 हो गया, और ये 100 एंड 150, ये हो गया 250. ठीक है, सपोज करो मेरे क्वेश्चन में इमेजिनरी फिगर्स है, मैंने लिया हुआ है. अब प्रीवियस ईयर का परसेंटेज किस तरीके से निकलेगा, हमारा एक्चुअल क्या है 50 अपॉन टोटल बैलेंस शीट टोटल. सॉरी ये मैंने वो कर दिया गड़बड़, यहाँ पे 150 ले लेते हैं और ये आ गया हमारा 300 एंड ये 150 को 50 ले लेते हैं ये और 100 लेते हैं ये. सॉरी वो मेरा क्योंकि ऑब्वियसली सारा टोटल जो है इक्वली आना चाहिए जस्ट टू मेक इट अ बैलेंस शीट क्लियर, और इक्वल तो होता ही है. ओके, लेट्स स्टार्ट. पहले प्रीवियस ईयर में हमारा 50 हो गया अपॉन 150 इनटू 100,
टोटल बैलेंस शीट हमारा टोटल क्या है हमारा प्रीवियस ईयर का 150 एंड 150. तो मैंने अपॉन में 150 लिख दिया इनटू 100. सेम अगर मैं नॉन करंट लायबिलिटीज का निकालूंगी तो 100 अपॉन 150 इनटू 100. जो भी सॉल्व करके आंसर आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा. करंट ईयर का भी सेम 150 अपॉन 300 इनटू 100. 300 कौन सा? इसका टोटल. सेम यहाँ पे भी सेम तरीके से फॉर्मूला लग जाएंगे. परसेंटेज चेंज निकालना है अलग अलग चीजों का इन टर्म्स ऑफ टोटल बैलेंस शीट. क्लियर है? बहुत सिंपल है. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताऊंगी कि किस तरीके से हम कॉमन साइज स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गाइज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल कॉमर्स माइंड. थैंक यू सो मच.